अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर के लिए दान देने का अभियान बिहव द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान में देश भर के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में तीर्थ नगरी ऋषिकेश में पिछले 60 सालों से गुफा में रह रहे 83 साल के एक साधु ने मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। संदेश तो क्या देना है भाई, मैंने मेरा इच्छा थी 1990 से मैंने प्रधानमंत्री नरसिंह राव को चिट्ठी भी लिखा था कि 3 दिन में उसका फैसला मैं करा दूंगा। उस समय मेरा बहुत पावर थी मेरे दिमाग में, तो इसी हिसाब से लिखा था मैंने। मेरे पास CBI वालों का भी आना जाना भी शुरू हो गया था वैसे, लेकिन बाद में वो तोड़ फोड़ दिया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया बोलना, फिर लिखना भी बंद कर दिया। लेकिन अभी भी वो सिस्टम से मेरा ये था कि मेरी इच्छा है कि मेरे सामने हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कहीं 100 सालों से पड़ा हुआ है वो समस्या, इसलिए हो जाए तो अच्छा। यही मेरी इच्छा थी, अच्छा हो गया, हमारे सामने हो गया, तो अब मैं चाहता हूँ कि निर्माण भी हमारे सामने हो जाए तो और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। संग्रह किया ये 1-2 दिन का नहीं है, थोड़ा 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 चींटी की तरह इकट्ठा करके, वैसे किसी को बताया नहीं मैं आज तक, ये मन की बात अगर नहीं हुआ तो फिर फेल हो जाएगा इससे, इसी चरम में बताया ही नहीं किसी को। संत स्वामी शंकरदास जब 1 करोड़ का चेक लेकर बैंक पहुंचे तो इतनी बड़ी राशि देखकर सभी दंग रह गए, और जब उनका अकाउंट चेक किया गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उनका चेक सही है। संत स्वामी शंकरदास का कहना है कि उन्होंने श्रद्धालुओं के अनुदान से इतनी बड़ी रकम जुटाई है। आपको बता दें कि पूरे देश में राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का बड़ा अभियान चल रहा है। कहा जा रहा है कि 36 से 40 महीनों में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन कर राम मंदिर की आधारशिला पहले ही रख दी थी। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद के साथ यूपी तक।